सिल्क रोड रिसर्च डेवलपमेंट के सर मेंबर हैं और कई सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी रहे, सरकार एनडीटीवी पे मैंने इंटरव्यू भी देखा था और कई उसमें और सरकार मैंने उसमें देखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में प्रोजेक्ट में भी हैं। तो इसलिए मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा अगर आपके पास समय हो तो सर मैं इस संस्था को पाकिस्तान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का एज चेयरमैन के रूप में इस संस्था को मैं चलाता हूँ और अगर आप चाहें तो इसके तहत आप आके अपना जो है एक लेक्चर हमारे कॉलेज में बात अगर आपके पास समय है तो अपना दें। तो इन्होंने स्वीकृति प्रदान की, फिर उसके बाद प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारी कन्वीनर मैडम पूनम रौतेला का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पूरे सुपरविजन में अपना योगदान दिया। हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गुनी जोशी, इन्होंने पूरी तरह से इसमें शामिल होने के लिए अपनी अनुमति दी। बच्चे हमारे यहाँ पर हैं और आए हुए समस्त प्रोफेसर हमारे कॉलेज के, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब बहुत ही अनलिमिटेड व्यक्तिगत तौर पर सर को शाम को फोन किया था कि सर दो मिनट का आप समय निकाल के आइएगा क्योंकि बीएड बीबीए और ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट से कार्यक्रम हो रहा हमारे। इसके अलावा यहाँ पर आए समस्त बीएड के बीबीए के समस्त छात्रों का, प्यारे छात्रों का बहुत बहुत वो कि ये बच्चे आए सुने और जैसा कि सर ने बताया कि जीवन में ट्रेवल करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए और रीड करना चाहिए, कोई शक की बात नहीं। हम तो बताते ही रहते हैं बच्चों को कि आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है रीडिंग। टीचर इज नॉट यू नो वी कैन से दैट टीचर इज ऑलवेज लर्नर, शिक्षक को सदैव सीखने वाला और पढ़ने वाला होना ही चाहिए। तो हमारे तो बीएड के बच्चे भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं, उनको टीचिंग लर्निंग में तो शामिल रहना ही रहना है। और भी जो सर ने बताया कि अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो आइडियाज कैसे आएंगे और आइडियाज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं वही एजुकेशन है और आइडियाज जो होते हैं वही हमारा दर्शन है। हमारे दर्शन जो हमारे जीवन का दर्शन है, अगर उस दर्शन को हम व्यवहारिक रूप में परिणति करते हैं तो वही हमारे दर्शन से वही हमारे जीवन की शिक्षा है। शिक्षा और दर्शन दोनों ही जीवन के इंटीग्रल पार्ट है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा और दर्शन से अलग नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पाकिस्तान एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक घोषणा करता हूँ कि ये डॉक्टर अंचलेश सर को जो है इनका महाविद्यालय में बहुत बड़ा योगदान रहा, रैंकरिंग में भी इनका योगदान रहा, सरकार सर लगातार हमारी संस्था से भी जुड़े रहे, इग्नू के अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर रहे, इन्होंने दो नेशनल स्तर की सेमिनार महाविद्यालय में कराई है और आप जो है बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी डोमर रेंजर में भी आपका योगदान है, आपने कई सारे शोधार्थियों को यहाँ से इनके अंदर सपोर्ट किया है और इसके अलावा सर रिसर्च प्रोजेक्ट में भी कई काम किए हैं। तो अपनी संस्था की तरफ से मैं बेस्ट